हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे टुल्लू पंप की कुछ खराबी, कुछ कमियां, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई बार इसमें पानी डालना पड़ता है, उसके बाद ये पानी उठाता है। पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम होती है, ये पानी बहुत देर में उठाता है और धीरे धीरे कम पानी उठाता है। तो सेकेंड प्रॉब्लम ये है। ओके, तो ये दो प्रॉब्लम होती हैं। और एक स्थिति ऐसी भी होती है जिसमें पानी ये ना के बराबर ही उठाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये तीनों कंडीशन क्यों होती हैं, क्या कारण है, वो सभी इसी पे बात करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास एक टुल्लू पंप है। चाहे किसी भी कंपनी का टुल्लू पंप हो, कोई भी टुल्लू पंप हो, छोटा हो बड़ा हो, सभी में ये दिक्कत होती है। तो देखिए, हमारे पास जो टुल्लू पंप है, इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रहा है कि इसमें पानी डालना पड़ता है और पानी डालने के बाद ये पानी उठा लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और भी प्रॉब्लम थी जैसे मैंने बताया, ठीक है, तो उसमें आप क्या करें। तो देखिए, टुल्लू पंप के कई सारे यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इस साइड का, इसको पंप बोलते हैं। तो इसे आप घर में भी रिपेयर कर सकते हो। तो ये जो हिस्सा है पंप है, इसके अंदर दोस्तों एक एम्पेलर होता है। ओके, एम्पेलर जो कि घूमता है, इस मोटर के साथ जुड़ा हुआ होता है। और एम्पेलर जो है हवा के साथ पानी को खींचता है, इस साइड से खींचता है, यहाँ से पानी खींच कर और फिर यहाँ पे पानी वो देता है। एम्पेलर का ये काम होता है। कई बार क्या होता है कि एम्पेलर की जो पत्तियाँ होती हैं, उसमें छोटे छोटे पत्ते होते हैं, तो टूट जाती हैं या घिस जाती है इससे टकरा कर किसी कारण से। ओके, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये मोटर जो है पानी बहुत ही कम उठाती है। अब सेकेंड कंडीशन की बात करेंगे। एक कंडीशन, एक चीज़ और होती है इसमें, यहाँ पे एक सील होती है। मैं नीचे की तरफ आपको घुमा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा पलट लेता हूँ और आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो छेद आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें एक सील लगी होती है इसके बीचों बीच। वो सील किस तरह की होती है वो मैं दिखाता हूँ। वो एम्पेलर के जस्ट नीचे होती है, वो इस तरह की सील होती है जो मेरे हाथ में है, ये इस तरह की सील होती है। अब सील करती क्या है कि यहाँ का जो ये प्रेशर जो यहाँ पे बन रहा है, वो प्रेशर ख़त्म नहीं होना चाहिए और यहाँ का जो पानी वगैरह है वो इधर ना जाए मोटर की तरफ, ठीक है। अगर वो लीकेज होगा, इस तरफ लीकेज होगा पानी, तो क्या है कि प्रेशर नहीं बनेगा और पानी बहुत कम देगी मोटर, ठीक है। और कई बार सील पूरी तरह से कट जाती है तो पानी उठाते ही नहीं है, तो ये सील की प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। तो कभी भी मोटर में प्रॉब्लम आए टुल्लू पंप में, तो ये सील आप ज़रूर उसकी बदलें। तो इस सील को आप टेस्ट कैसे करें, टेस्ट ऐसे करें कि इसको, इस एरिया को आप खोल लें और इसमें थोड़ा पानी डालें, या आप इस साइड से इसमें पानी डालें, या ऊपर से इसमें, इस पाइप से जो ऊपर की पाइप है यहाँ से पानी देती है, इसमें आप पानी डालें। और यहाँ अगर नीचे से पानी टपक रहा है, इसका मतलब ये सील ख़राब है। अगर पानी नहीं टपक रहा है तो सील ठीक है। ओके, तो ये कंडीशन होती है। अब ये सील ख़राब क्यों होती है, इसका कारण भी जान लीजिए। अब ये सील ख़राब होने का कारण ये है, मोटर के अंदर दो बैरिंग होते हैं, एक तो इस साइड का बैरिंग, एक इस साइड का बैरिंग। जो इस साइड का जो बैरिंग होता है, पंप साइड का बैरिंग, कई बार वो टूट जाता है, और टूट जाता है तो उसमें चिक वगैरह हो जाती है, उसमें गैप हो जाता है, तो ऐसे ऐसे हिल के चलता है मोटर का सापट, और मोटर के सापट पे आ गया एम्पेलर और ये सील लगी होती है, एम्पेलर के नीचे सील लगी होती है। अब वो सारा लोड सील पर पड़ता है। अब सील लगाई तो इसलिए कि पानी को रोके, अब करती क्या है कि सील ही टूट जाती है बैरिंग ख़राब होने की वजह से। अब सील टूट जाती है या कट जाती है तो पानी निकलने लगता है इधर से। तो ऐसे में क्या होता है कि पहले तो सील ख़राब होगी और मोटर आवाज़ भी करेगी और कई बार जाम भी हो जाती है, और एम्पेलर की पत्तियाँ भी ऐसे में टूट जाती है और पानी नहीं उठाती। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो फर्स्ट, ये वाली सील अगर ख़राब है, पानी नीचे निकल रहा है, ऊपर से डाल रहे नीचे निकल रहा है, तो ठीक है, ये सील बदलें। दूसरा, एम्पेलर की पत्तियाँ टूट गई है, उसकी वजह से पानी कम आ रहा है, तो एम्पेलर बदले पूरा का पूरा। एम्पेलर कैसे बदलते हैं, सील कैसे बदलते हैं, उस पर हमने पहले भी वीडियो डाल रखा है, तो उसका लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। अब इस मोटर की जो कमी है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जो मैंने बताया था कि मोटर के अंदर हम ऊपर से पानी डालते हैं स्टार्ट करने के बाद, इसको स्टार्ट करने के बाद तब जाके पानी देती है, तो ये इसलिए होता है दोस्तों। यहाँ पर एक वाल लगा हुआ है, ये वाला वाल, ये वाल करता क्या है कि जब मोटर प्रेशर के साथ इधर हवा, जब इसमें मोटर में हवा बनती है तो प्रेशर बनता है, तब यहाँ से यहाँ पे पानी होता है, तो पाइप से ये वाल के थ्रू, ये वाल है ना, इधर की तरफ आ जाता है। तो मैं इसको आपको खोल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो मैं इसको खोल लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको।
तो इसके लिए हम यहाँ पे जो 10 या 11 नंबर लगता है, ठीक है, तो मोटर के साइज़ के हिसाब से आप देख लीजिए। यहाँ पे 10 नंबर से हम इसको खोल लेते हैं, 10 नंबर से। ओके, तो हम इसको धीरे धीरे करके पहले खोल लेते हैं। दोस्तों मैंने इसको ढीला कर लिया, अब इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक वॉल्व है, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। तो कभी भी ऐसा हो कि आपके घर पे जो है पानी डालना पड़े मोटर में, प्रेशर कम हो, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ देखना है कि ये जो नलकी है, ये वाली नलकी है जहाँ से आप पानी ले रहे हैं, तो यहाँ पर यहाँ का जो ज्वाइंट है या कोई बीच में ज्वाइंट है वो लूज़ तो नहीं है। ऐसे में कई बार क्या होता है कि जो हवा बनती है वहाँ पर लीकेज होती रहती है वहाँ पर, ठीक है, तो ऐसे में ठीक से प्रेशर नहीं बन पाता। तो सबसे पहले तो ये चेक करें, अगर ये प्रॉब्लम भी नहीं है मोटर के साथ, जो है पाइप का प्रॉब्लम आपका नहीं है, तो आप मोटर का ये जो साइड है जो मैं खोल रहा हूँ इसको आप खोल लें। ओके, तो इसको जो है हम अलग कर लेते हैं। तो इसमें दो स्टड होते हैं और इसके बीच में एक वाल लगा होता है, मैं आपको पूरा का पूरा इसको दिखाने वाला हूँ। ओके, तो ये इसकी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों मैंने इसको जो है खोल लिया है, तो आप यहाँ पे एक सील देख सकते हैं, यहाँ पे एक सील लगी होती है ये वाली, ठीक है, और इधर वाल लगा होता है। इसमें वाल को जो है निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं इस वाल की प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ आपको, मैं जैसे ही इसको कर रहा हूँ तो देखिए ये वाल आप देख रहे हैं ये यहाँ से टूटा हुआ है। आप यहाँ पर मैं फोकस करता हूँ तो देखिए यहाँ से टूटा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे टूट गया है, टूटा हुआ है, और कई बार क्या होता है ये अटका ऐसे रह जाता है। तो इस वाल का ये काम होता है कि ऐसे लगा होता है ऐसे, और बाहर होती है पाइप, ठीक है, इस साइड होती है पाइप। ओके, ये वाली पाइप ये ऐसे लगा होता है और ये इस तरह से बिल्कुल क्लोज होता है, बंद होता है, ठीक है। जब मोटर का ये जो एम्पेलर है ये हवा बनाता है तो अंदर की तरफ इसको खींचता है, ओके, प्रेशर के साथ, तो जो अंदर का जो हिस्सा है ऐसे हो जाता है और यहाँ से पानी निकलता रहता है, अंदर जाता रहता है, और वापस ये पानी को नहीं जाने देता, पानी को अंदर ये रोक के रखता है, ठीक है। तो जब ये ख़राब हो जाता है तो मोटर का जो पानी है इसके अंदर से होता हुआ वापस चला जाता है, इसलिए क्या होता है कि प्रेशर बनने में दिक्कत होती है, ओके, और पानी वापस चला जाता है। ऐसी कंडीशन में हमको दोबारा से पानी यहाँ पर डालना पड़ता है, तब जाके वो प्रेशर बनाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है टूटा हुआ है यहाँ से, तो कई बार ऐसा टूटा भी होता है, कई बार एक प्रॉब्लम और होती है, मैं दिखाता हूँ वाल की। तो ये आप वाल देखेंगे तो इसमें देखिए कई बार, ठीक है, ये आप वाल देख सकते हैं, ये साइड से थोड़ा सा इसमें जगह है, आप देख पा रहे हो तो साइड, ओके, तो पूरी तरह से बंद होना चाहिए ऐसे। अगर कोई वाल ऐसा रह जाता है, ऐसा रह जाता है, यहाँ से टूट जाता है, तो ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती है। तो दोस्तों अब हम इसके अंदर जो है नया जो वॉल है वो लगाएंगे। तो नया वॉल देखिए कई साइज़ का ही आता है, तो इसमें ये वाला निकला था जो कि टूटा है, तो मेरे पास एक ये साइज़ है देख सकते हैं, तो ये साइज़ थोड़ा इसमें बड़ा हो जाएगा, ओके, और मेरे पास एक और साइज़ है तो ये वाला, ठीक है, ये देखने में थोड़ा सा छोटा है लेकिन ये आ जाता है इसमें, तो इसका हम यूज़ करेंगे। ओके, तो इसके ये जो पेच हैं ये मिलने चाहिए, ओके, तो ये छोटा हम लगाएंगे। तो इसमें देखिए ये बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, ओके, तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि पहले ये पाइप है, ठीक है, ये इस तरह से लगता है, आप दिखा देता हूँ, इस तरह से मत लगा देना इसको, कई भाई इस तरह से लगा देते तो गलती कर देते हैं, ठीक है, तो पानी आएगा ही नहीं, ऐसे लगाना है इसको ऐसे, ये जो हिस्सा है बाहर की तरफ रहना चाहिए इधर, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसके फर्स्ट में एक सील लगाएंगे इस साइड, एक सील हम इस साइड लगाएंगे, ओके, ठीक है, और पुराना सील जो इस पे चिपका होता है वो हमने हटा लिया है, और यहाँ का भी हमने हटा लिया, तो इसमें ऐसे डाल देना है, ठीक है, और इसमें जो इसके पेच हैं जो इसको स्टड बोलते हैं वो डाल लेने, ओके, जो दूसरा वाला है वो भी हम इसमें जो है डाल लेते हैं। तो इस तरह से हम इसमें जो है इसको डाल लेंगे, और डालने के बाद देख सकते हैं आप बिल्कुल फिट साइज़ हैं, ओके, अगर बड़ा रहता है तो दिक्कत होती है, आप बड़ा रहता है एक साइड ना आए तो उसको थोड़ा कैंची से काट के भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वो भी चल जाएगा। तो अब हम इसके अंदर जो है इसको
धीरे धीरे करके जो है इसको कसेंगे, फिट करेंगे। ओके, तो दोस्तों देखिए हमने इसका जो है वॉल को रिप्लेसमेंट करके इसके स्टड को टाइटली कस दिया है। दोस्तों इसमें आप जो है इसका साइज़ का जो भी है मार्केट से लेके आ सकते हैं इसको दिखा के। तो ये वॉल की प्रॉब्लम होती है, अगर पानी इसमें बार बार डालना पड़ रहा है ऐसी कंडीशन में उठाती है तो क्या करना है, ये वॉल चेंज करना है या ये पाइप कहीं से लूज़ हो सकती है तो इसको भी देखना है, ठीक है। दूसरी कंडीशन होती है पानी थोड़ा कम देती है तो उसमें आपको जो मैंने बताया कि ये जो सील होती है, ये वाली सील जो कि इंपेलर के नीचे लगी होती है, उसको चेंज करना है अगर यहाँ से लीकेज हो रहा है तो। ओके, अगर इंपेलर की पत्ती टूट रही है तो उसको देखना है। एक चीज़ और होती है कि एक ये वाली सील भी होती है, ये वाली सील इस तरह की, तो ये छल्ला सा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो लाइनिंग देख रहे हैं, इस लाइनिंग के बीच में डलती है यहाँ पे स्टड जो हैं, या जो स्टड जो लगे होते हैं, ठीक है, इनके बीच, इसके बीच में डलती है। तो यहाँ पे कई बार ये भी लीकेज होती है तो यहाँ पे भी पानी निकलेगा, तो ठीक है। तो ये दो तरह की सील है, ये वाली सील लगे छल्ला यहाँ से कटा हुआ है तो यहाँ से पानी निकल रहा है तो इसको बदलिए, और यहाँ से अगर नीचे से पानी निकल रहा है तो इस सील को बदलिए, और इसके बैरिंग को भी ज़रूर चेक करें कि कई बार बैरिंग टूटने की वजह से सील ज़्यादा ख़राब होती है। ओके, और पानी मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम हो तो इसको अब हम इसको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो वॉल की प्रॉब्लम हो तो वॉल की प्रॉब्लम मैंने बता दी आपको कि पानी इसमें बार बार डालना पड़ेगा। तो चलिए अब इसको एक बार टेस्ट करके हम देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्रेशर इसमें बना है और कितनी अच्छी तरह से पानी ठा रही है। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से आप किसी भी टुल्लू पंप को जो है ठीक कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं, उसकी पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।